नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आने वाले सी टेट एग्जाम जो कि 8 दिसंबर 2019 को होने वाली है, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी जो तैयारी पूर्ण हो चुकी है उसे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्कोर आप कर पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी पूर्ण भी हो चुकी होगी, आप रिविजन कर रहे होंगे इस समय। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों एक और बात आपको कहना चाहते हैं, यदि आपने आपकी सी टेट और यू पी टेट या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए हमारे YouTube टीम की तरफ से एंड्रॉइड एप्लीकेशन टेट सक्सेस बनाया गया है, और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको मिलते हैं क्विज, PDF, नोट्स, इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर। तो यहाँ पर आप इन सबको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्विज दे सकते हैं और ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी को और भी बेहतर आप फ्री टाइम में उसको यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए, और आप यदि इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्यावरण अध्ययन संबंधित 30 प्रश्नों का सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बाघों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। देखिए, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, बाघ की मूंछें हवा में कंपन को भाप लेती है, ये बाघ प्रत्येक स्थिति में आवाज जैसी होती है, और फोर्थ, प्रत्येक बाघ का एक अपना सुनिश्चित क्षेत्र होता है। तो कौन सा यहाँ उत्तर होगा, कूट नीचे दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो जो यहाँ पर कूट सही है उसके अनुरूप हमें यहाँ पर उत्तर को इसमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो होगा, जिसके अंदर फर्स्ट और ये, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, ये तीनों सही है। अब बाघ की जो देखने की क्षमता होती है वो हमसे ज़्यादा होती है, इसी के साथ साथ क्योंकि वो अंधेरे में भी देख सकता है, और उसकी मूंछें जो होती हैं कंपन को भी भाप लेती है, और उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो चूहों, मेंढक, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, इनमें से निबंधित सबसे मशहूर पौधा जो भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है। तो यहाँ पर भारत के रेगिस्तान में हमें शब्द का चयन करना है जिस राज्य में वो पाया जाता है, राजस्थान, मेघालय, जम्मू कश्मीर, केरल। तो ये एक कीटभक्षी पादप है और ये पाया जाता है मेघालय राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा पाँच की कक्षा में शिक्षिका बीज प्रकरण को पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार के बीजों और उससे संबंधित मूल स्थानों के विषय में चर्चा करते हुए बहुत से उदाहरण देती है। तो इनमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं, मिर्ची दक्षिण अमेरिका, भिंडी अफ्रीका, सोयाबीन ऑस्ट्रेलिया, या आम भारत। तो अब यहाँ पर प्रश्न का जो कूट है उसको देखना है, तो इनमें से सही कौन सा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, या सेकंड थर्ड फोर्थ, या फिर फर्स्ट थर्ड फोर्थ। अब इसके लिए जो सही कूट हमारा होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए ऑप्शन सेकेंड के अंदर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब आप एक बार और प्रश्न को देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न हमारा अलग अलग हो रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों उसमें सही हैं। तो मिर्ची दक्षिण अमेरिका, भिंडी अफ्रीका और सोयाबीन ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बूंद बूंद दरिया दरिया प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या नल से पानी आता है, क्या नहर से पानी आता है, क्या कुएं से पानी आता है, या फिर क्या वर्षा से पानी आता है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। तो शिक्षक निश्चित ही यहाँ पर विद्यार्थियों के अंदर चिंतन विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की दवाई बनाने में पुराने समय से सिनकुना नामक पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है, और पहले इसके छाल को उबाला जाता है, फिर छानकर उपयोग में लाया जाता है, तो इससे कौन से रोग का उपचार किया जाता है। तो कहने का मतलब एड्स, मलेरिया, खाली खांसी, तपेदी। तो यहाँ पर जो मलेरिया होता है उसके उपचार की दवाई बनाई जाती है सिनकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो होगा ये होगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रदूषणकारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC आदि की मात्रा बढ़ती जा रही है, और इन गैसों के ऊपरी वायुमंडल में एकत्र होने से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार गैसों को कहा जाता है।
तो ऐसी गैसें जो होती है जो तापमान में वृद्धि करती है उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। अब यहाँ पर मीथेन, सीएफसी आदि जो गैसें होती है ये इसके लिए जिम्मेदार होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं जंतुओं के सहस्त्र वर्षों तक जमा होने और विघटन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं या जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें, और इन पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के कारण इन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। तो निश्चित ही हम इन्हें, ये जीव जंतु के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन फर्स्ट, एक शिक्षक जो शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है उसे वह शिक्षण के व्यवसाय में गर्व की अनुभूति होती है, या प्रश्नों के त्वरित तैयार किए गए समाधान प्रस्तुत करता है, थर्ड है बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है, या फोर्थ अधिगम सिद्धांतों में तुलना करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक जो होता है बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपनी शिक्षण विधि को समायोजित करता है, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावी ढंग से सूचनाएं संप्रेषित करने का एक माध्यम है चार्ट्स एवं मानचित्र के माध्यम से, ध्वनि युक्त फिल्म प्रोजेक्टर से, मौखिक उच्चारण व्याख्या से, श्याम पट्ट प्रस्तुतिकरण से। तो यहाँ पर वैसे तो हम कई सामग्रियों को उपयोग में ला सकते हैं, पर जो हमारे लिए निरंतर उपयोग में आती है वो होता है श्याम पट्ट प्रस्तुतिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड कि वातावरण में मृत्यु हो जाती है क्योंकि, अब इससे मृत्यु क्यों हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्योंकि निश्चित ही ये जो गैस होती है ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ में संयोग करके उसको ऑक्सीजन अवशोषित करने की योग्य बना देती है, फिर हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं कर पाता, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक जिसके शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो गई है वह बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, या पारंपरिक नियमों से प्रभावित नहीं होता, या बालकों के साथ प्रभावपूर्ण रवैया नहीं अपनाता। तो निश्चित ही यहाँ पर जब शिक्षक में शिक्षण में अभिरुचि विकसित हो चुकी है तो वह बालकों के व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन करता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही जबकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है, तो इसका संभावित कारण हो सकता है लड़कियां पर्यावरण अध्ययन में कमजोर होती है, या फिर लड़कियों के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक विषय नहीं है, या बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना जरूरी होता है, या फिर फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की नवीन विधियों में कुछ समस्या है। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अध्ययन पढ़ाने की जो नवीन विधियां हैं उनमें कुछ समस्याएं हैं, तभी वो विद्यार्थी नहीं सीख पा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, या शिक्षण में सहायता प्राप्त करने के लिए। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि ये शिक्षण को रोचक, सुग्राही और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सेकंड। यदि कक्षा कि बालकों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका उद्देश्य है बालकों को दंड देने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए, या विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, या फिर बालक को घर में व्यस्त रखने के लिए। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि जो अधिगम प्रक्रिया होती है उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए ये गृह कार्य दिया जाता है, ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है शिक्षार्थियों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों का विकास करना, या सीखने की प्रक्रिया में रटकर सीखने पर बल देना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या फोर्थ शिक्षार्थी के द्वारा सीखने हेतु उपयुक्त परिवेश का निर्माण करना। तो जो यहाँ पर नहीं है वो है सीखने की प्रक्रिया में रटकर सीखने पर बल देना, ये उद्देश्य नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को खाद्य पदार्थों के परीक्षण परिरक्षण के कुछ उद्देश्य निम्न लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, फल एवं सब्जियां बेमौसम उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व रंग
स्वरूप बनाए रखना और खाद्य पदार्थों को जीवाणु रासायनिक तत्वों से होने वाले नुकसान को रोकना निम्न में से सही है। फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड या फिर फोर्थ है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी परिरक्षण के कुछ उद्देश्य में सम्मिलित हैं, ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत इंटीग्रेशन से तात्पर्य है। तो इंटीग्रेशन जो होता है इससे क्या तात्पर्य यहाँ पर होगा? एक प्रकरण पढ़ाने के हेतु विभिन्न विषयों की सहायता लेना या प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वगति से उन्नति करने के अवसर प्रदान करना या विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोजन करना या अनेक विषयों को एक दीर्घ अवधि वाले कालांश में व्यवस्थित कर देना। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण। तो एकीकरण जिसमें हम एक से अधिक विषयों को शामिल कर लेते हैं। तो एक प्रकरण को पढ़ाने के हेतु शिक्षक विभिन्न विषयों की सहायता लेना, तो निश्चित ही यहाँ पर एक प्रकरण को जो पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम अनेक विषयों की सहायता ले रहे हैं, तो उन विषयों का एकीकरण भी हम उसमें कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा उत्तर। प्रयास शिक्षण शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। शिक्षकों एवं विद्यार्थी के द्वारा, शैक्षिक व्यवसाय से संबंधित सभी व्यक्ति के द्वारा या शिक्षकों एवं प्रशासकों के द्वारा या फोर्थ इनमें इन सभी के पारस्परिक सहयोग से। तो निश्चित ही यहाँ पर इन सभी के पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही पाठ्यक्रम का निर्माण और पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में तकनीक का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जिससे कि मानक सामग्री का विस्तारित एवं प्रभावी प्रसार हो सके। शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकों से पर्यावरण शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए। थर्ड है पर्यावरण शिक्षा सार्वभौमिक बने और उच्च मानदंड प्राप्त किए जा सके। फोर्थ है सीमित अंतर्व्यक्तित्व संपर्कों के कारण प्राध्यापन की गुणकारिता में वृद्धि हो सके। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों को आधुनिक तकनीकों से पर्यावरण शिक्षक को शिक्षा हेतु प्रेरित किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति श्रेष्ठी कक्षा कक्षीय अनुशासन की घोतक है? आदेश मान्यता में शांति जिसका कक्षा में अवलोकन किया जा सकता है, या फिर कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधि, कक्षा में अपेक्षित सहयोग एवं समूह भावना और कक्षा में विद्यार्थी का संपूर्ण विकास। तो यहाँ पर कक्षा में अधिगम की उन्नत गतिविधियाँ ये अनुशासन श्रेष्ठी कक्षीय अनुशासन की घोतक है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय द्वारा विद्यार्थी का विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन, विद्यालय के द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव या शिक्षण के लिए प्रयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां। फोर्थ है विद्यार्थी की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री। तो यहाँ पर उत्तर होगा विद्यालय द्वारा संगठित विद्यार्थी का अनुभव, ऑप्शन सेकेंड। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो विटामिन ए की कमी से होता है। तो रोग कौन सा होता है? रतौंधी, बेरीबेरी या स्कर्वी, ज़ेरब्थुमेलिया या फिर क्वाशियोर का रतौंधी या फिर रतौंधी ज़ेरब्थुमेलिया। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, रतौंधी और ज़ेरब्थुमेलिया, ये दोनों विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग होते हैं। चलिए अगला है, सरिता अपनी कक्षा में पेट्रोलियम की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप से करती है। यह केवल समुद्र तल के नीचे पाया जाता है, यह बिना गंध वाला गाढ़ा द्रव है। थर्ड है यह बदबूदार तथा गाढ़ा द्रव है। या फोर्थ यह गहरे रंग का होता है। तो निम्नलिखित में से पेट्रोलियम की सही विशेषताएँ कौन सी है? फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड और फोर्थ या फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। ये बदबूदार तथा गाढ़ा होता है और ये गहरे रंग का भी होता है, क्योंकि पेट्रोलियम जो होता है ये इसमें से बदबू, और जब ये कच्चा होता है तब ये गाढ़ा भी रहता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के अलावा
अन्य सभी बालक के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल है। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बालक का सामाजिक स्तर या फिर सामाजिक सहयोग। तो यहाँ पर पौष्टिकता की गुणवत्ता के अलावा, क्योंकि बाकी सभी अन्य वातावरणीय कारकों में शामिल हैं, तो यहाँ शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, बालक का सामाजिक स्तर, सामाजिक सहयोग, ये सभी वातावरणीय कारकों के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत व्यापक मूल्यांकन के निर्देश दिए हैं। अब इसमें से एक कौन सा उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा? शिक्षार्थियों पर पढ़ने वाले दबाव को कम करना, शिक्षार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, या विद्यार्थी की प्रवीणता के लिए निर्धारण के लिए अंक के स्थान पर ग्रेडों का उपयोग, या फिर शिक्षार्थियों को निदान उपचार के साधन की व्यवस्था करना। तो यहाँ ऑप्शन सेकेंड जो, शिक्षार्थी को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मूल्यांकन का दिशा निर्देश का उद्देश्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में यदि शिक्षार्थियों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप शिक्षार्थियों को भाषण के लिए वो कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास करवाएंगे, या भाषण लिखने की विधि बताएंगे, या फोर्थ भाषण लिख करके देंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाषण के लिए वो सामग्री कहाँ से लें इसका मार्गदर्शन करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहक्रामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? इनमें से विद्यालय में पठन पाठन में बाधा पड़ती है, ये भी शिक्षा के आवश्यक अंग हैं या थर्ड हैं? इनमें शिक्षार्थियों में शिक्षक का मनोरंजन होता है, और फोर्थ इनमें शिक्षार्थियों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन फोर्थ, इसमें शिक्षार्थियों में सहभागिता और सामाजिक गुणों का विकास होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र रिक्त स्थान घिरे हुए हैं, घने जंगलों से, नदियों, झीलों से, मानवीय बस्तियों से, पर्वत एवं पहाड़ियों से। तो यहाँ पर अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है मानव बस्तियों से ये घिरे हैं, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं पूर्णतः ग्रामीण आवासों से संबंधित हैं? कृषि, बहुमंजिला कंक्रीट की इमारतें, साधारण जीवन, निरक्षरता, या सेकंड है हरियाली, भीड़, बस्तियां, बहुमंजिला इमारतें, थर्ड है कृषि, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अच्छी हवा, और फोर्थ है हरियाली, रोजगार के अवसर, बस्तियां, अंधविश्वास। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कृषि, संयुक्त परिवार, अंधविश्वास, अच्छी हवा, ये ग्रामीण आवासों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के बंजर हो जाने का प्रमुख कारकों में से नहीं है? एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना, ज्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करना, या खेतों में बड़े ठोस अवशिष्टों को हटाना, या खेतों में सिंचाई व्यवस्थित रूप से ना करना। तो बंजर हो जाने के प्रमुख कारकों में जो शामिल नहीं है वो इसमें हमें देखना है। तो खेतों में बड़े ठोस अवशिष्ट को हटाना। चलिए अगला है, आजकल लोग अधिक से अधिक व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने लगे हैं, इस गतिविधि का प्रभाव निम्न में से कौन सा होगा? हवा में छोटे कणों में बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, या फिर ध्वनि स्तर में बढ़ोतरी, या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो निश्चित ही यहाँ पर व्यक्तिगत वाहनों का जब उपयोग करेंगे तो ये सभी प्रभाव इसके पड़ेंगे, ऑप्शन फोर्थ। दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न आपको कैसा लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।